आज राहिन्या को टिफिन में चाहिए आलू बोंडा, तो राहिन्या के लिए मैं बनाने वाली हूँ आलू बोंडा, या फिर कह लीजिए कि मिनी आलू बड़ा। और हम लोग खाएंगे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जो मैं बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा थाली पीठ स्टाइल, एक दो आटे मिलाकर। तो सबसे पहले राहिन्या के लिए जो आलू बोंडा बनाना है उसकी मैं सब्जी बनाऊंगी। तो बेसिक जैसी येलो वाली सब्जी होती है वही बना रही हूँ, हरी मिर्ची और थोड़ा सा जीरा डाल के। राई नहीं डालूंगी, राई वो इतनी पसंद नहीं करता है। जीरा, लहसुन, हरी मिर्ची, थोड़ा सा नमक और गरम मसाला और चाट मसाला। सबसे पहले मैं ग्रेट कर रही हूँ आलू, तो छोटा वाला ग्रेटर यहाँ पर मैंने लिया है। यह है थोड़ा सा ज्वार का आटा, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 से 2 टेबलस्पून यहाँ पर बेसन। बेसन से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और ज्वार के आटे से काफ़ी अच्छी एक बाइंडिंग भी आ जाती है। और मैं सूजी भी इसमें डालूंगी, टेस्ट के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च। ढेर सारा लहसुन, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप अपने हिसाब से, आप चाहें तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और लगभग 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बारीक वाली सूजी, एंड इसके बाद टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक बाद में भी एडजस्ट किया जा सकता है बैटर बनने के बाद। मसालों में थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, जीरा पाउडर भी डाली जा सकती है। और मसाले में मैं डाल रही हूँ किचन किंग मसाला, कोई फिक्स्ड नहीं मसाला होता है, मैं जब जो मन चाहे वो डाल देती हूँ। इसका अब मैं घोल बना रही हूँ मीडियम कंसिस्टेंसी का, पानी डालकर। राहिनी के आलू बोंडे के लिए यहाँ पर मैंने लिया थोड़ा सा बेसन, इसमें डाल दी नमक, थोड़ी हल्दी और पानी डालकर इसका एक बैटर बनाऊंगी, और एकदम आखिर में चुटकी भर सोडा। तो थोड़ा सा सोडा डालने से और फिर हल्दी डालने से कुछ इशू नहीं होता है। जब ढोकला बनाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सोडा डलता है, वहाँ पर अगर हम डाल देते हैं साथ में हल्दी तो उसमें रेड रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा सोडा डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राहिन्या को मिनी यानी छोटे आलू बोंडे पसंद है, तो उसके लिए मैं छोटे वाले आलू बोंडे बना रही हूँ। बचे हुए बेसन के मैंने क्रिस्पी पकौड़े बना दिए, ये अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा बैटर बचा नहीं था, ये भी राहिन्या को बहुत पसंद है। हमारा ब्रेकफास्ट अब मैं बना लेती हूँ, तो ये एक तरह का चीला है ऐसा हम बोल सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी से। इसे थोड़ा सा और टाइट भून के कपड़े पर लगाकर या पेपर से डाल के हम इसके थाली पीस भी बना सकते हैं, बीच में छेद करके, वो भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, मैंने एक चीले के बीच में भी छेद कर दिया। एक्चुअली इससे क्या होता है, वो हिस्सा भी काफ़ी अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। What is this? लड्डू, पिंक वाला छोटा, ये चाहिए। ठीक है, वो भी देती हूँ। छोटा छोटा ये पकोड़े है। पकोड़े नहीं बेटा, पकोड़े।
पकौड़े डाला है आपने, वो भी चाहिए? ठीक है। क्या कर रहे हो तुम? इसमें से दिखाया तुमने? हाँ। अरे वाह, ये वाले? हाँ। काउंट करो कितने हैं, फिनिश करोगे क्या इतने? हाँ। काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। शेयरिंग भी करना, अनीश को दोगे? एक आलू बंडा दोगे अनीश को? नहीं, वो नहीं खाता। तुम्हें कैसे पता वो नहीं खाता? तुमने दिया उसे? नहीं, वो नहीं खाता, वो इडली खाता है। तो तुम इडली ले जाते हो तब उसको देते हो? तुमने इडली दी थी, शेयर की थी उसके साथ? नहीं की थी। क्यों? मैं तुम्हारे शेयर करूंगा। आज नहीं शेयर करोगे? नहीं। स्माइल स्माइल। मम्मा मम्मा। हाँ। और लड्डू, लड्डू दिखाना है तुम्हें? मैं जानता हूँ। ओके, बाय करो इधर। बाय। आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी के पराठे। बहुत अच्छी टेस्टी ये स्टफिंग होती है। आलू का बिल्कुल इसमें यूज़ नहीं होगा, पर फिर भी बाइंडिंग बहुत ही बढ़िया बनेगी। मैं आगे आपको दिखाती हूँ इसकी रेसिपी। पहले ही ग्रेट करके रखा है ताकि सुबह इस चीज़ में टाइम ना जाए। और मैं अलग से आज दो मिक्सेस नहीं बनाने वाली हूँ, यानी रहने के लिए फीका, हमारे लिए तीखा, एक ही बनाऊंगी थोड़ी सी कम मिर्च डाल के ताकि हम सब लोग खा सकें। ये इसके लिए लहसुन मैं क्रश कर रही हूँ। इसमें आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप लहसुन को फ्राई कर लें, आप जीरा भी डाल सकते हैं। तो लहसुन को अच्छे से फ्राई करने के बाद हमें डालनी है इसमें पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के साथ साथ जाएंगे थोड़े मसाले, जैसे कि आप डाल सकते हैं किचन विंग मसाला, चिकन मसाला या फिर गरम मसाला, और थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, आपको फीका नहीं बनाना, तो थोड़ा लाल मिर्च ज़्यादा अगर डालेंगे तो काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। पत्ता गोभी जब तक पक रही है तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो आटा नॉर्मल गेहूँ का आटा है, थोड़ा सा नमक और आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। पत्ता गोभी पक जाने के बाद लास्ट में डालें बेसन और फिर इसे ढककर पकाएं आप 2 से 4 मिनट, ताकि बेसन जो है वो बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। ये स्टफिंग बहुत अच्छी लगती है, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं सब्जी की तरह या फिर पराठे बना सकते हैं। मैं पराठा बना रही हूँ बेटा, खाओगे ना तुम? खाओगे? आलू बोंडा? रोज रोज आलू बोंडा चाहिए तुम्हें? सबसे पहले मैं बना रही हूँ छोटे साइज के पराठे राहिने के लिए, और उसके बाद सेम स्टफिंग से मैं बनाने वाली हूँ बड़े पराठे हमारे लिए। ओके। वो खाली है, उसमें रखो उसे। रखो। मम्मा मुझे नहीं आता टिफिन पैक करने। नहीं आता? मैं बताती हूँ। देखो,
रुको एक मिनट, उठो मुझे उतरो चाट मसाला निकालने दो, मुझे एक तोड़ना है। हाँ वो भी करो, एक मिनट रुको, चाट मसाला मुझे करना है, थोड़ा सा ही डालना नहीं तो तुम ही नहीं खाओगे। हाँ बस मुझे 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 चाहिए बस। पराठा है का? कैसा है चाट मसाला? अच्छा है। कहाँ जा रहे हो? ऐसे मत करो ना। बस बस ढक्कन लगा दो, ये तोड़ लो, उसके बाद रेडी होना है स्कूल के लिए, ठीक है? यहाँ पकड़ो, यहाँ थंब प्रेस करो। What is this? For Eki, for Iggy. हाँ करो। Good morning. मैं सोच रही हूँ कि कैबेज पराठे में साथ साथ मैं थोड़ा सा एग भी डाल दूँ, तो एग में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, हल्दी, चिकन मसाला। वैसे तो सिर्फ हल्दी नमक डाल के भी एग यूज़ कर ही सकते हैं, क्योंकि पत्ता गोभी की स्टफिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी मसाले हैं। What is this? Pasti. Huh? Pasta. खाओ। नहीं वो बहुत कच्चा है। छोटा डोर बंद कर रिया। ये पास्ता है। नहीं ये गैस है, फ्लेम नहीं है वो। इसे खाने के लिए दिया है। मम्मा। This? नहीं ये पहले मसाला का फ्रेंच फ्राइज है। हाँ ये इमेज पे तो फ्रेंच फ्राइज है, बट इट हैज मसाला इनसाइड। दिस पैकेट हैज मसाला इनसाइड। व्हाट डज इट हैव? मम्मा वो ये आलू पराठे की स्टफिंग है, जिसमें मैंने डाला है आलू, रेडीमेड पेरी पेरी मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और नमक। राहिने के लिए मैं बना रही हूँ टमाटर वाला पास्ता। राहिने पास्ता भी खाता है, आलू बोलने तो उसे पसंद है। पत्ता गोभी के पराठे पहली बार दिए थे, वो भी उसने खा लिए।
राही ने मैकरोनी पास्ता ही मांगता है, उसे थोड़ा सा टमाटर और लहसुन का तड़का, थोड़ी सी हल्दी मिर्ची, आजकल मैं आधी चीज़ की स्लाइस देने लगी हूँ, कभी डालती हूँ कभी नहीं, ऐसा पास्ता इसे पसंद है। हल्का सा मसाला इसमें मैं डाल देती हूँ और हमारे लिए पराठे। और ये रेडी है पेरी पेरी आलू पराठा। पेरी पेरी मसाला रेडीमेड वाला यूज़ किया है, काफ़ी टेस्टी है और ये पराठा भी बहुत टेस्टी बना है, मैंने सबसे टेस्ट करके देखी थी। थोड़ा सा ऊपर से घी। अब नेक्स्ट मैं पैक कर लेती हूँ राहिने का टिफिन। घर में ब्रेकफास्ट। हाँ आज छुट्टी है ना, आज घर में ब्रेकफास्ट। मम्मा टिफिन स्कूल में टिफिन में नहीं, अभी खाना है। हेलो गुड मॉर्निंग बोलो। हेलो गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हेलो गुड मॉर्निंग। ये क्या है? ये आलू पुआ है। आलू कहाँ है इसमें? अभी आलू थोड़ी डाला है मैंने। नीचे मत गिराओ, नीचे मत गिराओ। आज मैं बना रही हूँ पोहे, राहिने की भाषा में आलू पोहे, क्योंकि पोहे से ज़्यादा आलू होना चाहिए उसके टिफिन में। और आज भी मैं मिर्च कम डालने वाली हूँ ताकि एक ही तड़के में मैं पोहे बनाऊँ जो राहिने भी खाए और हम भी खाएं। ऐसे करने से एक स्टेप बच जाता है और टाइम भी कम लगता है। आलू ढेर सारे में डालूँ तो राहिने खाता है, और आलू तो मुझे खुद को भी बहुत पसंद है। पोहे और ऐसी चीज़ें मुझे बिना आलू के अच्छी नहीं लगती। जीरा, प्याज, हरी मिर्ची, आलू, हल्दी, थोड़ी सी चीनी और नमक, और आखिर में निचोड़कर आप इसमें नींबू डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगते हैं। राहिने की वजह से मैंने कम राई डाली है, वैसे कड़ी पत्ता भी पोहे में काफ़ी अच्छा लगता है। बॉयल्ड छोले पर ऊपर से सीजनिंग डालने की बजाय मैं वो पकाते समय ही डाल देती हूँ, जैसे कि अदरक लहसुन का मसाला, साथ में थोड़ी सी हल्दी, छोले मसाला, हल्की सी मिर्च, चाट मसाला। अब इसे मैं पकाने के लिए रख दूंगी। ऐसे पकाने से छोले काफी फ्लेवरफुल बन जाते हैं और अंदर तक इनमें टेस्ट आ जाता है। हमारे लिए ब्रेकफास्ट में मैं ऑमलेट बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है और मुझे थोड़ा आलस भी आ रहा है, तो एकदम सिंपल सी टमाटर और बेसिक चीज़ें डालकर, मसाले डालकर मैं ऑमलेट बना रही हूँ। एग्स में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मिर्ची और मसाले में चेंज करके डालती हूँ, कभी किचन किंग कभी चिकन, कोई भी जैसा मन हो। इन सबको मिक्स करके साथ ही में थोड़ा सा टमाटर और चीज़ भी आज मैं सोच रही हूँ कि डालूँ, तो थोड़ा सा चीज़ डालूँगी, ज़्यादा नहीं।
आज ये एग्स मैंने राहिने से छुपाकर तोड़ लिए हैं, क्योंकि उसने अगर देख लिया तो उसे ही तोड़ने होते हैं, मिक्सिंग भी उसे ही करनी होती है। और यहाँ पर है ये टमाटर और धनिया। यह राहिने के लिए फ्लेवरफुल टेस्टी छोले। अब मैं फटाफट बना लेती हूँ ऑमलेट। ये बॉडी बन गया पाइप का। गुड मॉर्निंग। आई होप आपने आज का ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।